हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी है ये खिला खिला उपमा, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से इसका दाना दाना खिला हुआ है। मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे उपमा बिल्कुल इस तरह का बनेगा, खिला खिला दानेदार, और आपको सूजी का कोई कच्चापन भी फील नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में उपमा कितना ज्यादा खिला खिला है, दानेदार है, बट फिर भी इसमें कोई सफेद सफेद दाने जो कि सूजी के कच्चे दाने होते हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस उपमा को बनाएंगे तो डेफिनेटली ये जल्दी बनेगा, टेस्टी बनेगा और बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये दानेदार सूजी ली है, जो कि मोटी सूजी है। आप चाहें तो बारीक सूजी भी ले सकते हैं, बट उससे उपमा उतना खिला खिला नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पर रवा लिया है, मोटी सूजी 1 कप। आपके पास अगर ये मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी कटोरी से मीडियम साइज की मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे। उपमा की सबसे खास बात यह है कि ये काफी जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इतना भूनना है कि इससे हल्की सी खुशबू आने लगे। सो 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। सूजी का उपमा, दलिया और हेल्दी खिचड़ी, दलिये की खिचड़ी, कुछ इस तरह की इंडियन डिशेस हैं जो कि जल्दी भी बनती हैं, टेस्टी भी बनती है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप इनमें से और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जो सूजी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको समय लगता है ब्लड में ग्लूकोज छोड़ने में, तो ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम बढ़ता नहीं है, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो सूजी भुन चुकी है, देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। तो उपमा बनाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी लूंगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, बट देसी घी से बहुत टेस्टी लगता है। तो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 मुट्ठी मूंगफली ले रही हूँ और इसको अच्छे से घी में फ्राई कर लूंगी। ये काफी अच्छा क्रंच ऐड करती है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, अदरवाइज मूंगफली जल सकती है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। देखिए मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो हम मूंगफली निकाल लेंगे। हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सरसों या राई, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें सरसों ही जाता है ट्रेडिशनली। जैसे ही सरसों चटकने लगेगा साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कच्ची चने की दाल और धुली उड़द, यानी कि सफेद वाली जो उड़द की दाल होती है ये भी डाल देंगे। आधा आधा छोटा चम्मच ली है हमने, इसको हल्का सा भून लेंगे। ये भी काफी अच्छा क्रंच ऐड करती है इसमें, कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते, 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, भून लेंगे प्याज को भी, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, साथ ही 1 हरी मिर्च ली है मैंने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। 1 से 1.5 गाजर बारीक कटी हुई, 5 से 7 फलियां ली है मैंने यहाँ पर, यानी कि बीन्स, और यहाँ पर ली है मैंने 1/4 कप फ्रोजन मटर है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो मटर बहुत ही बढ़िया मिल रही है। तो इनको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 हरी मिर्च मैं इस तरह से चीरा लगाकर डाल रही हूँ तीखेपन को बढ़ाने के लिए। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें पानी डालकर भी पकाएंगे और सब्जी थोड़ी सी क्रंच बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1
दो और ये आधा कप पानी। तो एक कप सूजी के लिए मैंने 2.5 कप पानी लिया है। आपको अगर उपमा थोड़ा गीला पसंद है तो आप 3 कप तक पानी ले सकते हैं। तो इस पानी में उबाल आने देंगे और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें तीखेपन के लिए लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है उससे, और हमने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है जो कि इसमें काफी तीखापन ऐड कर देगी। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम इसमें सूजी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करेंगे और इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे। इस तरह से बनाने से इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं पड़ेंगे। अगर आप सारी सूजी एक साथ ऐड कर देंगे तो इस उपमा में लम्ब्स पड़ने का डर रहता है। देखिए, मैंने सारी सूजी डाल दी है और अब हम इसको इस तरह से चलाएंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दें। उपमा में कितना पानी जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने सूजी कौन सी और कैसी ली है। तो जो मैंने यहाँ पर सूजी ली थी वो काफी दानेदार थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल आपके साथ टिप शेयर करना चाहूंगी कि ये देखिए, आप पास से देखेंगे तो आपको इसमें दाने नजर आ रहे होंगे। हमें इस तरह का उपमा बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह के दानों का मतलब है कि सूजी में अभी कच्चापन है। मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी जो है ऐड कर रही हूँ। मैंने इसीलिए उपमा को पूरा कुक नहीं किया था। और अगर आप ये नहीं करते तो आपके मुंह में सूजी के दाने आएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम पानी ऐड किया था पहले, ताकि मैं आपको बता सकूं, ये दिखा सकूं। तो अब हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे। देखिए, बहुत ही कलरफुल और यमी दिख रहा है उपमा जो है। और अब इसमें वो सफेद सफेद सूजी के दाने भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप इसी स्टेज पर चेक कर सकते हैं कि नमक कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, बट 1 कप सूजी में 1 चम्मच नमक काफी रहता है। अगर आपको इस उपमा को और भी हेल्दी बनाना है तो इसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे और इसको भून लेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, अदरवाइज आपका उपमा रेडी है। ऊपर से घी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई मूंगफली जो कि हमने पहले भून करके रखी थी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और उपमा बन करके रेडी है। बिल्कुल खिला खिला दिख रहा है और इस उपमा में अब आपको कोई भी सफेद सफेद दाने नजर नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सूजी ली थी उसने 3 कप पानी एब्जॉर्ब किया है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उपमा को हांडी में सर्व कर लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर आपको उपमा का टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल खिला खिला बना है और अभी काफी गर्म है। अगर आप थोड़ी सी देर और इसको रेस्ट कर दे देंगे तो ये और भी ज्यादा खिला खिला हो जाता है। तो टिफिन के लिए चाहे बनाए चाहे नाश्ते में बनाए, उपमा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।